human being, one pair of kidneys, then one pair of tubular structures, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर, किडनी कितनी होती है बॉडी में? पक्का yes. तीन तो नहीं है no. एक बेच के अपन आईफोन खरीद लें हाँ यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वॉट एक्सक्रीटरी सिस्टम सुनना ध्यान से अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज अ पेयर ऑफ यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ह्यूमन के केस में राइट साइड की किडनी इसमें कौन सी राइट साइड है कौन सी लेफ्ट साइड ये राइट साइड कौन सी है इट्स अ लेफ्ट साइड किडनी और ये कौन सी है हम जब भी बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं हम ये मानकर लाइनिंग या लेबलिंग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सामने वाला पेशेंट है क्लियर तो इस पेशेंट के केस में ये वाली किडनी कौन सी होगी राइट साइड ये कौन सी होगी ह्यूमन के केस में राइट साइड की किडनी की लोकेशन लेफ्ट साइड की किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड क्या प्रेजेंट होता है अच्छा लिवर कितने होते हैं दो या तीन फिर ठीक है कितने होते हैं एक लिवर किस साइड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के राइट साइड और राइट साइड में लिवर होने की वजह से राइट साइड की किडनी की लोकेशन थोड़ा सा नीचे होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो किडनीज आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम नाम देते हैं बच्चों पेरिटोनियम क्या नाम देते हैं व्हाट इट कॉल्ड अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमको ये जो पेरिटोनियम की कवरिंग है ये किडनी को सिर्फ आगे से कवर करती है ना कि पीछे से समझ में आ रही है मेरी बात जैसे हमारी किडनी यहां पर होगी यही होती है ना हाँ अब अगर हम यहां से देख रहे हैं फ्रंट सरफेस से तो हमें पेरिटोनियम दिखाई देगी फिर क्या दिखाई देगी किडनी बट अगर हम बैक साइड से देखेंगे किडनी को तो क्या दिखाई देगी हमें किडनी क्लियर ये पॉइंट दैट मींस जो किडनीज हैं वो पेरिटोनियम के कहां पीछे प्रेजेंट है कहां प्रेजेंट है पीछे और जब किडनी पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट होती है सच कंडीशन सच लोकेशन इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल क्या कहलाती है रेट्रो मींस बिहाइंड पेरिटोनियल मींस पेरिटोनियम किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन दैट मींस किडनीज आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द पेरिटोनियम क्लियर ये पॉइंट लिखो हेडिंग लिखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें लिखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिखो इन ह्यूमन बींग एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इन ह्यूमन बींग एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज कॉमा अ पेयर ऑफ यूरेटर कॉमा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इन ह्यूमन बींग एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी कॉमा अ पेयर ऑफ यूरेटर
देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रा। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन द पोजिशन ऑफ राइट साइड किडनी, इन ह्यूमन द पोजिशन ऑफ राइट साइड किडनी इज समवॉट लोअर देन, इज समवॉट लोअर देन लेफ्ट साइड किडनी। इन ह्यूमन द पोजिशन ऑफ राइट साइड किडनी इज समवॉट लोअर देन लेफ्ट साइड किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड। अच्छा, अपन आईफोन खरीदने के लिए किडनी क्यों बेचते हैं, लिवर और हार्ट क्यों नहीं? अच्छा, किडनी महंगी बिकती है। हाँ, किडनी दो होती हैं। अगर एक किडनी हमारे बॉडी की खराब हो जाए तो दूसरी किडनी दोनों किडनीज का वर्क कर लेती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, दूसरी किडनी उस किडनी का भी वर्क कर रही होती है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उस किडनी का जो फंक्शनल है, जो वर्क कर रही है, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और दोनों किडनी खराब तो फिर जयराम जी की। पेरिटोनियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे हमने हार्ट में पढ़ा है पेरिकार्डियम, लंग्स में पढ़ा है प्लूरा। तो हर प्रोटेक्टिव कवरिंग कुछ हद तक अंडरलाइंग ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर किसी ने पंच मारा और हमारी रिब्स टूट गई तो फिर कहां जाएंगी? किडनी पर। किडनी को कौन बचाएगा? हाँ बेटा, मैं आ रहा हूं संगम आ रहा हूं बेटा, पंच मारने रुक जाओ। अभी किसका फोन बज रहा था? जैसे अभी हमने स्लीपर बाहर रखवाई ना, अब हम फोन भी बाहर रखवाएंगे। लिखो इसमें, किडनीज आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर, किडनीज आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम। तुम बेटा दीवार में घुस जाओ ना अंदर सीधा। किडनीज आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम which provide protection to it. Next point लिखो, human kidneys are present just behind the peritoneum. That's why they are said to be retroperitoneal in position. That's why they are said to be retroperitoneal in position. इस डायग्राम को ड्रॉ करो फास्ट। किडनी बनाना बच्चों, राजमा मत बना देना।
Now listen, when we talk about other organs of human body which involve in excretion, the first one is skin. Skin से क्या excrete होता है? Sweat. Sweat में बच्चों क्या क्या present होता है? Water, salt, वही होता है बेटा salt. हाँ, और हाँ सब निकाल लो बेटा स्वेट से तुम. अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट भी निकाल लो, ग्लूकोज, स्वेट एंड स्वीट इंटेस्ट, हद, यूरिया, सम अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. व्हेन वी टॉक अबाउट लंग्स, लंग्स से क्या एक्सक्रीट होता है? सर्दियों में धुआं निकलता है ना मुंह से, विदाउट स्मोकिंग, वो समर सीजन में भी निकलता है, वाटर वेपर. हाँ तुम ट्राई कर लो अभी. लीवर, लीवर से बाइल पिगमेंट्स. बच्चों बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यही होता है बिलीरुबिन, जिसके बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ने से कौन सी डिसीज होती है? जॉइंटिस. किसके इंक्रीज होने से? लिवर से बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट होते हैं. जितनी भी ड्रग्स, ड्रग्स मतलब फिर ठीक है, ड्रग्स मतलब मेडिसिंस, नॉट ड्रग्स, ड्रग्स, विटामिंस या फिर हॉर्मोन्स, ये जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में ब्रेक होती हैं, ये सारी कहां से एक्सक्रीट होती हैं? हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो लिवर में ही डिटॉक्सिफाई होते हैं. क्लियर? और ऐसा साइंस बोलती है कि लिवर जो है हमारा वो नाइट में 11 बजे से 3 बजे तक वर्क करता है, दिन भर करता है लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक करने का काम इस टाइम पे करता है. इसीलिए हमें 10 बजे सो जाना चाहिए और 4 बजे उठ जाना चाहिए. हम कब सोते हैं? 3 बजे. इसीलिए हमारी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स कलेक्ट होते जाते हैं. और वन ऑफ द रीजन कि हमारी जो एवरेज एज है वो कम होती जा रही है, उसका रीजन यही है. अब हम देखो कॉम्प्रोमाइज तो कर नहीं सकते कि हम पिज्जा नहीं खाएंगे, हम नूडल्स नहीं खाएंगे, हम चाउमीन नहीं खाएंगे. खुशी देखो उसको, जैसे अभी मिल रहा है उसको खाने को. बट हाँ, हम यहां पर चीजें सेटल डाउन कर सकते हैं कि हम अपने लिवर को वो टाइम दे सकते हैं ताकि वो सारी चीजें डिटॉक्सिफाई हो सके. जितना उसको कम टाइम मिलेगा उतना टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में ज्यादा कलेक्ट होगा. कोई नहीं, अपन ये लिखते हैं. लिखो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये तीनों लिखो और इनके एग्जाम्पल्स लिख लो. फर्स्ट स्किन, देन लंग्स एंड देन लिवर.
हाँ, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट्स. बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन हमारे बॉडी में आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनते हैं. तो अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर बिलीवर्डिन का लेवल भी इंक्रीज होता है. बट जो जॉइंडिस के पीछे रीजन है वो बिलिरुबिन है, ना कि बिलीवर्डिन. हो गया बच्चों ये? चलो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी. देखो जब हम बात करते हैं ह्यूमन किडनी की, ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स. कैसा स्ट्रक्चर होते हैं? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. किडनी की इनर साइड पर जो ये कॉनकेविटी आपको दिखाई दे रही है, दिस कॉनकेविटी इज कॉल्ड हाइलम. व्हाट इज कॉल्ड? इस कॉनकेविटी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर आता है. दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, वो यहां से एंटर भी करती हैं. Like this, okay? जो आर्टरी किडनी में एंटर करती है, that is said to be renal artery. क्या कहलाती है? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से. लिवर में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, लिवर से यूरिया निकलता है. लिवर में जो आर्टरी एंटर करती है That is called hepatic artery. क्या कहलाती है? अब जब लिवर में यूरिया बन जाता है तो जो वेन यूरिया को लेकर आती है दैट इज कॉल्ड हिपैटिक वेन. दैट इज कॉल्ड हिपैटिक वेन. यूरिया को लेकर जाती है ह्यूमन हार्ट तक. ब्लड जाता है वापस डीऑक्सीजनेटेड, उसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है. हार्ट से वो ब्लड किडनी में जाता है बाय रीनल आर्टरी. जब हेपेटिक या लिवर से यूरिया निकलता है तो यूरिया का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो किस ब्लड वेसल में होता है? हेपेटिक वेन. जब हेपेटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाती है, साथ में यूरिया भी जाता है. अब वो यूरिया थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है क्योंकि वो ब्लड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है. बट फिर भी जो ब्लड रीनल आर्टरी में पहुंचता है उसमें भी यूरिया प्रेजेंट होता है. बट सबसे ज्यादा किसमें होता है? सेकंड मैक्सिमम किसमें होगा? रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर किडनी में एंटर कर रही है, वहां पर नेफ्रॉन उस यूरिया को लेकर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. जो बचा हुआ ब्लड या कंटेंट रीनल वेन के थ्रू बाहर निकलता है, उस रीनल वेन में सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है क्या? यूरिया. तो ये आपके बोर्ड लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया हेपेटिक वेन, सेकंड मैक्सिमम मिनिमम
ये तीनों पॉइंट्स कॉपी के टॉप पर लिख लो, हेडिंग लिख लो कंटेंट ऑफ यूरिया इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स, कंटेंट ऑफ यूरिया इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स, कंटेंट ऑफ यूरिया इन डिफरेंट ब्लड वेसल्स। फर्स्ट लिखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, फर्स्ट राइट डाउन मैक्सिमम कंसंट्रेशन, आंसर इज हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन। सेकेंड लिखो सेकेंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन, सेकेंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीनल आर्टरी। अगर हिपैटिक वेन ऑप्शन में नहीं होगा देन वी विल गो विद रीनल आर्टरी। एंड लिखो मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया देन इट विल बी रीनल वेन, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया देन इट विल बी रीनल वेन। क्लियर दीज पॉइंट्स। चलो अब हम बात करते हैं किडनी की। किडनी में जो कॉनकेविटी थी उसको हमने क्या नाम दिया, कॉनकेविटी से कौन सा स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर एंटर कर रहा था, ब्लड वेसल, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब देखो किडनी में जब हम पेरिटोनियम को हटा देते हैं तो जो सबसे बाहर की किडनी की खुद की लेयर है दैट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। क्या कहलाता है, इसके ऊपर कवरिंग किसकी होगी, पेरिटोनियम की। किसकी कवरिंग होगी, पेरिटोनियम। रीनल कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ किडनी इटसेल्फ। क्लियर। अब हम किडनी के अंदर एंटर करते हैं। दिस वन, दिस आउटर पार्ट, दिस डॉटेड पार्ट ऑफ किडनी This one is known as renal cortex. क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, renal cortex के अंदर pyramidal structures present होते हैं। These pyramidal structures are 8 to 12 in number. कितना नंबर होता है, 8 to 12. These structures are known as renal pyramids. What they are called? Renal pyramids. किडनी में आउटर कवरिंग क्या कहला रही है, इंटरनली आउटर पार्ट क्या कहलाता है, अब अंदर की साइड क्या प्रेजेंट है, रीनल पिरामिड्स जहां प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं, तो इंटरनली किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स डॉटेड पार्ट है और रीनल मेडुला में पिरामिड्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। क्या बोलते हैं, अब देखो इन रीनल पिरामिड्स से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। लाइक दिस, दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which arise from renal pyramids, they are said to be minor calyx. What they are called? जब कई सारे minor calyx आपस में attach होते हैं, they form major calyx.
वॉट दे फॉर्म क्लियर. ये सारे मेजर कैलिक्स यहां पर अटैच होते हैं यूरेटर से, और दिस पार्ट ऑफ यूरेटर विच इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम किडनी, इस पार्ट को हम नाम देते हैं बच्चों रीनल पैल्विस. इट्स अ पार्ट ऑफ यूरेटर बट किडनी से अराइज होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, रीनल पैल्विस. सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना. ह्यूमन किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन द आउटर मोस्ट कवरिंग रीनल कैप्सूल. इंटरनली किडनी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. किडनी की इनर सरफेस पर जो कॉनकेविटी है दैट इज नोन एज हाइलम. उस हाइलम से, उस कॉनकेविटी से एक ट्यूब निकलती है दैट इज कॉल्ड यूरेटर. जो चीज एंटर करती है दैट इज रीनल आर्टरी एंड रीनल. फिर इंटरनली किडनी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, वन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, वन इज कॉल्ड रीनल मेडुला. रीनल कॉर्टेक्स डॉटेड स्ट्रक्चर होता है. रीनल मेडुला में प्राइमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नोन एज, जिनका नंबर 8 to 12 होता है. कितना होता है? रीनल प्राइमेट्स से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स जब कंबाइंड होते हैं दे फॉर्म मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स फाइनली ओपन इनटू व्हिच इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ. क्लियर ये पॉइंट? इसको बनाओ.
राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन किडनीज आर, ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी, विच आर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी. Write down next point. The outermost layer of each kidney, the outermost layer of each kidney is made up of connective tissue. The outermost layer of each kidney is made up of connective tissue. Known as renal capsule, known as renal capsule. Write down next point. On inner side of kidney, on inner side of kidney, a concavity is present. On inner side of kidney, a concavity is present, known as hilum, known as hilum, through which blood vessels enter into the kidney. Blood vessels enter into the kidney while ureter comes out. Next point, internally kidney is divided into, internally kidney is divided into two parts. Internally, kidney is divided into two parts. First, likho, outer renal cortex, and inner renal medulla. Write down next point. Renal cortex is generally dotted in appearance. Renal cortex is generally dotted in appearance due to tubular part of nephron. Write down next point. In renal medulla, 8 to 12 renal pyramids are present. In renal medulla, 8 to 12 renal pyramids are present. Which open into tubular structure called
कॉल्ड माइनर कैलिक्स, कॉल्ड माइनर कैलिक्स. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. Few minor calyx further combine to form. Few minor calyx further combined to form major calyx. Few minor calyx further combined to form major calyx, which finally open into proximal part of ureter, proximal part of ureter known as renal pelvis. Now write down next heading, structure of nephron. In this write down first point, nephrons are the structural and functional unit of kidney. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. Write down next point. Inside the kidney, nephrons are the main site of urine formation. Inside the kidney, nephrons are the main site of urine formation. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं nephrons की, नेफ्रॉन में जो सबसे पहला पार्ट होता है, दैट इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल. क्या कहलाता है? व्हाट इट कॉल्ड? बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज होता है. दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर This tubular structure is known as PCT, proximal convoluted tubule, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PCT. क्या बोलते हैं? इस PCT से एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर अराइज होता है. उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले. व्हाट इट कॉल्ड? हेनले. ठीक है. फिर इससे एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर अराइज होता है जो पीसीटी के कंपैरिजन में ज्यादा क्वाइल्ड होता है. पीसीटी के कंपैरिजन में ज्यादा क्वाइल्ड होता है. दिस इज नोन एज डिस्टल
कॉनवॉल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज नोन एज डीसीटी दैट इज नोन एज किसी भी एक सिंगल नेफ्रॉन के इतने ही पार्ट होते हैं बोमेंस कैप्सूल पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी जब कई सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी यहां पर कनेक्ट होते हैं देन दे फॉर्म अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट क्या कहलाता है तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन व्हेन डीसीटी ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन Combined with each other, they form what? Collecting duct. They form what? अब देखो, जब हम बात करते हैं renal artery की, renal artery जब kidney में enter करती है, it divide into arterioles. वो arteriole जो nephron के Bowman's capsule में enter करती है, वो arteriole जो नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल में एंटर करती है उस आर्टीरियोल का डायमीटर जो एंट्री कर रहा है और जो आर्टीरियोल बाहर निकल रहा है उनके डायमीटर में डिफरेंस होता है दिस डायमीटर हैविंग या प्रेजेंट इन आर्टीरियोल दैट आर्टीरियोल इज कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल क्या कहलाता है और जो आर्टीरियोल बाहर निकल रहा है दैट इज सेड टू बी एफरेंट आर्टीरियोल किसका डायमीटर ज्यादा है एफरेंट आर्टीरियोल का किसका डायमीटर ज्यादा है क्लियर ये पॉइंट ये एफरेंट आर्टीरियोल जब बोमेंस कैप्सूल के कॉन्टेक्ट में आता है इट फॉर्म अ लूप ऑफ कैपिलरीज यहां पर कैपिलरीज का लूप बनता है और कैपिलरीज के इस लूप को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस व्हाट इट कॉल्ड ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज रीनल कार्पसिल व्हाट इट कॉल्ड और इट इज नोन एज मैल्पीजियन बॉडी क्या नाम देते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज मैल्पीजियन कार्पसिल या मैल्पीजियन बॉडी ये पूछा जाता है व्हाट इज मैल्पीजियन बॉडी या मैल्पीजियन कार्पसिल या रीनल कार्पसिल बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस क्लियर ये पॉइंट अब देखो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन Like this. Nephron का इतना पार्ट मतलब Bowman's capsule, PCT and DCT. It is present in renal cortex. कहाँ होता है? कहाँ होता है? और loop of Henle and collecting duct they are present in renal medulla. कहाँ present होते हैं? हमने अभी एक point लिखा था renal cortex में. It is dotted in appearance due to presence of tubular part. तो वो tubular part है PCT and DCT. इसकी वजह से ही renal cortex का appearance कैसा होता है? Dotted. कैसा होता है? Clear ये point? इसको बनाओ.
लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज, नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. नेफ्रॉन इज ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. दिस वन राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, Each nephron consists of a cup shaped structure. Each nephron consists of a cup shaped structure called Bowman's capsule. Each nephron consists of a cup shaped structure called Bowman's capsule. Write down next point. Renal artery enter into Bowman's capsule of each nephron. Renal artery enter into Bowman's capsule of each nephron in the form of afferent arteriole. In the form of afferent arteriole. In the form of afferent arteriole. Which form a loop of capillaries. Which form a loop of capillaries along with Bowman's capsule, which form a loop of capillaries along with Bowman's capsule known as glomerulus. And come outside in the form of efferent arteriole. This point is important. Just write down glomerulus along with Bowman's capsule form renal carpcell or Malpighian body. Write down next point. The tubular part of nephron consists of first likho PCT, second likho loop of Henle, and third is DCT. PCT ka full form kya hota hai? Proximal convoluted. DCT ka full form. Okay, write down next point. DCT of different nephrons combine to form
डीसीटी ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन्स कंबाइंड टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली कैरी यूरिन, विच फाइनली कैरी यूरिन towards minor calyx, comma major calyx and finally drain it into ureter. So guys, this is completely about a structure of nephron. In next class, we will discuss about site or mechanism of urine formation and we will complete this chapter at that time. Clear? Chalo. Thank you.